हाय गाइस, आई एम निशान चाहर, वेलकम बैक टू आल्गो प्रेप। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक क्वेश्चन की, दो क्वेश्चन एक ही वीडियो में करने वाले हैं, दोनों सिमिलर हैं। द क्वेश्चन इज इंसर्ट डिलीट गेट रैंडम एट ऑर्डर ऑफ वन। ठीक है, सो इसमें क्या आगे बना यार, हमें बोला है कि इम्प्लीमेंट कर दो रैंडमाइज सेट क्लास को। रैंडमाइज सेट का क्या मतलब है? इनिशियलाइज, मतलब ये फंक्शन जो है इनिशियलाइज कर देता है, जो इंसर्ट है वो इंसर्ट कर देता है वैल्यू इनटू सेट एंड रिटर्न्स ट्रू इफ द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट होता है तो फॉल्स रिटर्न कर देता है। देन बूल रिमूव क्या करता है, रिमूव कर देता है वैल्यू को सेट से इफ प्रेजेंट, ठीक है, एंड रिटर्न्स ट्रू इफ आइटम वॉज प्रेजेंट एंड अदरवाइज फॉल्स। रिमूव में अगर प्रेजेंट है तो क्या करते हैं, उस आइटम को रिमूव कर देते हैं, ट्रू रिटर्न कर देते हैं, अगर प्रेजेंट नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देते हैं। एंड फाइनली इट्स गेट रैंडम, इसमें रैंडम रिटर्न से रैंडम एलिमेंट फ्रॉम द करंट सेट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इट्स गारंटीड दैट एटलीस्ट वन एलिमेंट एग्जिस्ट व्हेन दिस मेथड इज कॉल्ड। सो हमें आइटम आउट ऑफ बाउंड और वो सारे एरर्स नहीं आएंगे। ईच एलिमेंट मस्ट हैव द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ बींग रिटर्नड। यू मस्ट इम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस सच दैट ईच फंक्शन एवरेजेस एट ऑर्डर ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इट्स नॉट वर्स्ट केस ऑर्डर ऑफ वन नहीं करनी, इसमें हमने एवरेज केस इसकी ऑर्डर ऑफ वन कर देनी है। ठीक है, कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऑर्डर ऑफ एन तक नहीं जाएगा, ऑर्डर ऑफ वन में काम हमारा हो जाएगा। कूल तो सोचते हैं क्या करना है इसमें। हमें बेसिकली हमें क्या क्या चाहिए यार, बेसिकली हमें चाहिए कि हम इंसर्ट कर पाएँ ऑर्डर ऑफ वन में। ठीक है, तो इंसर्ट करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? एक वेक्टर ऑप्शन है, वेक्टर में हम ऑर्डर ऑफ वन में इंसर्ट कर देते हैं। हैश मैप हमारे पास एक ऑप्शन है, हैश मैप में भी हम ऑर्डर ऑफ वन में हम ऐड कर देते हैं। तो इंसर्ट में हमारे पास ये दो कैंडिडेट्स हैं, हमारा काम हो जाएगा। सेकंड अगर हम देखें, अब हमें क्या करना है, डिलीट करना है, डिलीट करना है हमें ऑर्डर ऑफ वन में। अब वेक्टर में हम जब डिलीट करते हैं, वेक्टर में हम डिलीट करते हैं ना, तो क्या होता है, वो एक एलिमेंट डिलीट होता है ना, उसके सारे पीछे वाले एलिमेंट्स आगे आ जाते हैं बेसिकली। सो वो ऑर्डर ऑफ एन टाइप भी हो सकता है, अगर फर्स्ट जो हमारा एलिमेंट है अगर हम उसको डिलीट करेंगे। सो यहाँ पे जो डिलीट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ वन तो नहीं है। ठीक है, तो वेक्टर में जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ वन नहीं है। ठीक है, और हमारी जो हैश मैप में होती है ऑर्डर ऑफ वन। सो यहाँ पे हम हैश मैप यूज कर सकते हैं। एंड थर्ड है गेट रैंडम। अब गेट रैंडम में प्रॉब्लम है हैश मैप में, कि हैश मैप में कुछ भी ना सही ऑर्डर में नहीं होता, एंड हो सकता है कि एक ही नंबर बार बार आता रहे हमारे पास, क्योंकि कोई जो हैशिंग एल्गोरिथम यूज़ हो रही है इंटरनली, वो क्या पता किसी पर्टिकुलर नंबर्स को हमारे प्रेफर करते हो। तो यहाँ पे बस ये प्रॉब्लम है इसके साथ, कि गेटिंग रैंडम विद सेम प्रोबेबिलिटी इज डिफिकल्ट। बेसिकली इसमें रैंडम निकालने में कैसे प्रॉब्लम है, रैंडम निकालने में ऐसे प्रॉब्लम है, इसमें कोई ना हमारे इंडेक्सेस नहीं होते, हमारे कोई इंडेक्स ही नहीं होते। अगर इंडेक्स नहीं होते तो हम कैसे निकाल पाएंगे? हमें इंडेक्सेस निकालने के लिए बेसिकली फिर इसको ट्रैवर्स करना पड़ेगा, ट्रैवर्स करने के लिए ऑर्डर ऑफ एन टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। बट ऑन द अदर हैंड वेक्टर अगर हम यूज़ करते हैं तो वेक्टर में सेम चीज़ कर सकते हैं। वेक्टर में तो रैंडम निकालना बहुत आसान है, रैंडम हम एक फंक्शन यूज़ कर लेंगे, उसको मोड कर देंगे साइज से, एंड इससे हमें एक इंडेक्स मिल जाएगा, एंड उस इंडेक्स पे हम रिटर्न कर देंगे, तो वो ऑर्डर ऑफ वन का ऑपरेशन है। सो वट वी हैव टू डू इज डेटा स्ट्रक्चर अपना यूजिंग दीज डेटा स्ट्रक्चर ओनली। क्योंकि देखो हर चीज़ में ना किसी में प्रॉब्लम है, डिलीट में वेक्टर ख़राब है बट डिलीट में हैश मैप बढ़िया है, हम एकदम से निकाल सकते हैं उस एलिमेंट का, उसको डिलीट कर सकते हैं। गेट रैंडम में हैश मैप ख़राब है लेकिन हमारा जो वेक्टर है वो बढ़िया है। तो यही करते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं। क्या करेंगे, हम एक हैश मैप बना लेते हैं इंट कॉमा इंट का। हैश मैप बनाया हमने इंट कॉमा इंट का, इसमें हम क्या स्टोर करेंगे, इसमें हम वैल्यू और उसका इंडेक्स स्टोर करेंगे, वैल्यू और इसका इंडेक्स स्टोर करेंगे। दूसरा हम क्या करते हैं, वेक्टर बना देते हैं, वेक्टर बनाएंगे हम नॉर्मल इंट का। अब इसमें हम इंडेक्स क्यों स्टोर कर रहे हैं, इसमें इंडेक्स इसलिए स्टोर कर रहे हैं ताकि हमें वेक्टर में पता चल जाए कि ये वाली वैल्यू कौन से इंडेक्स पे है, तो वो वेक्टर में हमें हर बार सर्च नहीं करना पड़ेगा। बेसिकली वो वाला ऑपरेशन हमारा ऑर्डर ऑफ वन का हो जाएगा, राइट। अगर डायरेक्टली हम वेक्टर में सर्च कर रहे होते हैं, हैश मैप नहीं यूज़ करते, तो क्या प्रॉब्लम होती, वेक्टर में हमें हर बार ही ट्रैवर्स करना पड़ता है, एंड वर्स्ट केस सिनेरियो में लास्ट में अगर वो इंडेक्स पड़ा हुआ होता तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम लग जाता, हमें बस फाइंड करने में फिर डिलीट करने में भी टाइम लगता। अब मैम हम सीधा ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, तो इंसर्ट करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, दोनों में इंसर्ट कर देंगे, हैश मैप में ऐड कर देंगे वैल्यू, नॉर्मल जैसे हम करते हैं मैप में ऐड कर देंगे वैल्यू पे इंडेक्स। दूसरा हम क्या करेंगे, वेक्टर में पुशबैक कर देंगे।
ये तो चलो इजी था, इंसर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब हमें डिलीट करना होगा ना, डिलीट इज द इशू। डिलीट में हमें ऑर्डर ऑफ वन में एवरेज आउट करना है, तो क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे? एक बात बताओ, अगर हमारे पास एक वेक्टर है 1 2 3 5 6, हमें 3 को डिलीट करना है, हमें 3 को डिलीट करना है, वट वी कैन डू इज, हमें पता है 3 कहाँ पे है, हमें पता है 3 का इंडेक्स कैसे है, हम हैश मैप से निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे यार, लास्ट इंडेक्स को और इस इंडेक्स को एक बार ही स्वाप कर देंगे, स्वाप कर देंगे, हमारे पास आएगा 1 2 6 5 एंड 3। अब हमें पता है लास्ट में है ये, लास्ट में डिलीट करना आसान है, वेक्टर में लास्ट में डिलीट करना बहुत आसान है, बस पॉप बैक कर दो, डिलीट हो जाएगा, इतना हमारा एरे बच जाएगा एंड इसका साइज छोटा हो जाएगा। तो इसमें मुझे टाइम लगता है, ऑर्डर ऑफ वन ही लगता है। तो हम क्या करेंगे, हमने सारे इंडेक्सेस स्टोर कर रखे हैं, हम इस करंट इंडेक्स पे इसको स्वैप कर देंगे, स्वैप करने के बाद लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट कर देंगे। अब हमने हमारे मैप को भी चेंज करना पड़ेगा, हमें हमारे मैप को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैप में जो इंडेक्सेस थे उसमें 3 वैल्यू के लिए इंडेक्स क्या स्टोर था, 2 स्टोर था, एंड 6 के लिए क्या स्टोर था, 6 के लिए 5 स्टोर था। तो हमें 6 के लिए यहाँ पे क्या कर देना, 6 के लिए यहाँ पे 2 कर देना, 6 के लिए 2 कर देना, एंड इस वाले इंडेक्स पे जो था, इस वाले इंडेक्स पे 3 को मैं डिलीट कर देना, बस काम खत्म। ये करेंगे, हमारा डिलीट भी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, रैंडम आता है। कुछ नहीं करना है यार रैंडम में, तो हमें बस साइज़ पता होना चाहिए हमारे एरे का, वो हम किसी भी टाइम पे निकाल सकते हैं। एरे का साइज़ पता है, हम क्या करेंगे, हम रैंडम फंक्शन यूज़ कर लेंगे, इनबिल्ट वाला, रैंडम मोड एन करेंगे, तो इस समय एक इंडेक्स मिल जाएगा, इस समय एक रैंडम इंडेक्स मिल जाएगा, बस उस इंडेक्स पर हम वैल्यू को रिटर्न कर देंगे, उस इंडेक्स में हम अपनी वैल्यू को रिटर्न कर देंगे, एंड सब जो ऑपरेशंस हैं उन सबकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एवरेज आउट होकर ऑर्डर ऑफ वन आ जाएगी। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं हमने क्या किया। हमने पहले अपने सारे मैप का बना लिए, अब क्या करते हैं इसमें ना हम इन सबको, ठीक है, हमने सबको खाली कर दिया। हम मैप में इंसर्ट के लिए क्या करा हमने, हमें रिटर्न ट्रू और फॉल्स भी करना था, हमने चेक कर लिया, फाइंड कर लिया, अगर एलिमेंट अवेलेबल है दैट मीन्स वैल्यू इज नॉट इक्वल टू एंड। नॉट इक्वल टू एंड का क्या मतलब है, कि उसमें मिल गया हमें कुछ, अगर कुछ मिल गया तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे, काम करते हैं, अगर नहीं मिला तो मैप में ऐड कर देंगे इंडेक्स पे, एंड उसके बाद अपने वेक्टर में ऐड कर देंगे और रिटर्न ट्रू कर देंगे। ठीक है, बेसिकली हमने बात करी थी, यहाँ पे भी सेम है। रिमूव में क्या करेंगे, हम मैप में पहले फाइंड आउट कर लेंगे अगर एलिमेंट नहीं है, डबल इक्वल्स टू एंड का क्या मतलब होता है कि एलिमेंट अवेलेबल ही नहीं है, अगर एलिमेंट अवेलेबल नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, बस रिटर्न फॉल्स कर देंगे, काम खत्म, नहीं तो हम इंडेक्स निकालेंगे उसका मैप में से, फिर हम स्वैप कर देंगे लास्ट इंडेक्स को इसके साथ, एंड जो हमारा लास्ट में एलिमेंट पड़ा हुआ होगा, लास्ट में एलिमेंट स्वैप करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा व्यू ऑफ आई पे हम उसका इंडेक्स अपडेट कर देंगे, रिमूव कर देंगे, इंडेक्स साइज कम कर देंगे हमारा, एंड मैप में रेज कर देंगे वैल्यू को बस, और गेट रैंडम हम क्या करेंगे, गेट रैंडम में सेम वही इंडेक्स से मॉड कर देंगे एंड व्यू ऑफ आई पे रिटर्न कर देंगे, एंड ये हमारा सॉल्यूशन होगा इसका, विच इज एक्सेप्टेड। कूल, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसमें ना डुप्लीकेट्स नहीं थे, इसमें कहीं पर भी डुप्लीकेट्स नहीं थे, सब सिंगल टाइम वेरिएबल्स थे, बट इफ यू गेट डुप्लीकेट्स, इसका दूसरा पार्ट है विच इज अ लिटिल हार्ड। इसमें क्या है, रैंडमाइज कलेक्शन इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स पॉसिबली डुप्लीकेट्स। ठीक है, डुप्लीकेट हो सकते हैं, इट शुड सपोर्ट इंसर्टिंग एंड रिमूविंग स्पेसिफिक एलिमेंट्स एंड ऑल्सो रिपोर्टिंग अ रैंडम एलिमेंट। ये हमने जो सेम चीज़ करी थी वो यहाँ पर करनी है। अब यहाँ पर क्या देंगे, मैंने इंसर्ट करेंगे तो हमें इंसर्ट कर देना है वैल्यू को, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो फॉल्स ट्रू रिटर्न कर देना है, अगर प्रेजेंट है तो फॉल्स रिटर्न कर देना है। रिमूव में भी सेम चीज़ करनी है, गेट रैंडम में भी हमें सेम चीज़ करनी है, और सारे ऑपरेशंस एवरेज आउट होने चाहिए ऑर्डर ऑफ वन में। द टेस्ट केसेस आर जनरेटेड सच दैट गेट रैंडम विल ओनली बी कॉल्ड इफ देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट। ओके, ये सेम है बेसिकली। यहाँ पे क्या दिक्कत आ गई, यहाँ पे सेम सॉल्यूशन इसलिए वर्क नहीं करेगा, वहाँ पे हम हैश मैप में ना इंडेक्सेस स्टोर कर रहे थे, मैप पे इंडेक्स इंट कॉमा इंट पे मैप की वैल्यू पे इंडेक्स स्टोर कर रहे थे डिक्शनरी में। अगर एलिमेंट फिर से रिपीट होता है तो ये जो इंडेक्स है ना, अगर ये जो इंडेक्स है ना, ये अपडेट हो जाएगा। अगर इंडेक्स अपडेट हो जाएगा दैट इज़ अ प्रॉब्लम, राइट? अगर इंडेक्स हमारा अपडेट हो रहा है तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। ये क्या प्रॉब्लम होगी, कि हमने जो पुराना वाला इंडेक्स था वो लूज़ कर दिया, हमने क्या करा, पुराने वाला इंडेक्स लूज़ कर दिया। अब इस चीज़ को टैकल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यार, हमें ना इन सब इंडेक्सेस को स्टोर करना पड़ेगा। इन सब इंडेक्सेस को स्टोर करने के लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। क्या मल्टीपल ऑप्शंस हैं, हम या तो एक वेक्टर बना सकते हैं या हम एक सेट बना सकते हैं। वेक्टर मतलब इंट ऑफ डिक्शनरी जो बनाएंगे हम, इंट ऑफ वेक्टर इंट बनाएंगे, इंट कॉमा वेक्टर इंट, ये हमारी वैल्यू होगी और ये हमारा बाद में सारे इंडेक्सेस होंगे। ठीक है, दूसरा हम बना सकते हैं सेट, सेट बना सकते हैं, इसका भी यही करेंगे।
ठीक है, वैल्यू को हम सेट बनाएंगे इंडेक्सेस का। अभी ये क्यों कर रहे हैं, अभी क्यों कर रहे हैं, जो हम पहले कर रहे थे हमें सेम चीज़ ही करनी है, जो हम पहले कर रहे थे हमें सेम चीज़ ही करनी है। डिलीट करते टाइम अगर हमने एक एरे लिया 1, 2, 1, 3, 2, 4, ठीक है, अब हमारे 1 के पास क्या इंडेक्सेस होंगे, हमारे उनके पास होगा 0 होगा, देन 2 होगा, 0, 1, 2, 3। 2 के पास क्या इंडेक्सेस होंगे, 2 के पास हमारा एक इंडेक्स होगा 1, दूसरा इंडेक्स होगा हमारा 4, 3 के पास इंडेक्स होगा 3 एंड हमारा 4 के पास इंडेक्स होगा 5, ठीक है, 4 के पास इंडेक्स होगा 5। अब इसमें एक और ऐड कर देते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं 1 को और ऐड कर देते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे 1 को और ऐड कर दिया 6 पे। अब हम क्या करेंगे यार, हम 2 को डिलीट करने का ट्राई करते हैं, 2 को डिलीट करने का ट्राई करेंगे, 2 में हम जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको डिलीट करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को हम डिलीट करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करने के लिए सेम चीज़ करेंगे, इन दोनों को स्वाप कर देंगे लास्ट में, लास्ट में जो भी पड़ा होगा, लास्ट में हमारा 1 पड़ा था, लास्ट में हमारा 1 पड़ा था, ठीक है। हमें 2 को डिलीट करने के लिए इस वाले इंडेक्स को पहले स्वाप करना पड़ेगा, इस वाले इंडेक्स को स्वाप करने के लिए हमें पहले 1 का लास्ट वाला इंडेक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है, हमें देखना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे पता है हमें 1 है, तो 1 का हमें लास्ट वाला इंडेक्स निकालना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिलीट करने के लिए इसको हटाना पड़ेगा यहाँ पे, इसका इसकी वैल्यू हमें 1 करनी पड़ेगी, स्वाप करके वैल्यू की अपने एरे में चेंज करना पड़ेगा इसको, यहाँ पे 6 लाना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लाना पड़ेगा, इसको डिलीट करना पड़ेगा एंड फिर इसको भी डिलीट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी, अगर ये हमारा सॉर्टेड नहीं होगा ना, अगर हमारा सॉर्टेड नहीं होगा ना, तो जब हम नेक्स्ट टाइम रिट्रीव कर रहे होंगे तो हमें प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे, नेक्स्ट टाइम जब हम रिट्रीव करेंगे तो हमें प्रॉब्लम आएगी, तो हमें क्या करना है, बेसिकली इसको सॉर्टेड रखना है हर पॉइंट पे। इसको सॉर्टेड रखने के लिए या तो हम वेक्टर को यूज़ कर सकते हैं और बार बार उसको सॉर्ट कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम अपने सेट जो ऑलरेडी सॉर्टेड होता है उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें इसको सॉर्टेड रखना होगा, इसको हमें सॉर्टेड रखना होगा एंड बस हमारा काम खत्म है। अब जैसे हम इसको चेक करते हैं, तो एक बार कोड देख लेते हैं, अनऑर्डर्ड मैप बना दिया, इंट कॉमा सेट का वेक्टर बना लिया, ठीक है, इनिशियली जो पुश पैक कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे वैल्यू जो भी हम जहाँ पे भी लास्ट इंडेक्स में हम ऐड कर रहे हैं एंड फाइनली अगर उसकी वैल्यू बनी है, मतलब हमने अभी इसको ऐड किया है, तो ट्रू रिटर्न कर देंगे और उसके बाद फॉल्स कर देंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे पहले वैल्यू कहाँ पे मैप पे, अगर मैप पे वैल्यू मिल गई हमें, नॉट इक्वल टू एंड का मतलब होता है मिल गई अगर हमें, तो हम पोजीशन फाइंड आउट करेंगे हमें कहाँ से रिमूव करना है। पोजीशन क्या होगा, सेकेंड हमारा है सेट, सेकेंड के बिगिनिंग में जो भी पड़ा होगा हम उसको बेसिकली रिमूव कर रहे होंगे, फर्स्ट एलिमेंट को हम रिमूव कर रहे होंगे, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं करा, आई टी के सेकेंड पे रेज मार दिया और आई टी के सेकेंड के बिगिनिंग मतलब इसका स्टार्टिंग फर्स्ट इंडेक्स था हम उसको इरेज कर रहे क्योंकि पोजीशन हमने स्टोर कर ली थी, तो बेसिकली हमने उसको हटा दिया वहाँ से। अभी यहाँ पे नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वेक्टर में उस पोजीशन पे क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, स्वैप कर देंगे, एंड में जो पड़ा हुआ था उस पोजीशन पे उसको डाल दिया, ठीक है, मैप पे जो एंड में पड़ा हुआ था क्योंकि अब वो उस पोजीशन पे आ गया, उस पे इंसर्ट कर देंगे, उस एलिमेंट में इंसर्ट कर देंगे पोजीशन, इंडेक्स चेंज कर देंगे एंड फाइनली फिर मैप में से डिलीट कर देंगे, वेक्टर में से डिलीट कर देंगे। एंड अगर हमारा साइज़ उसका 0 हो गया है तो मतलब पूरा इरेज हो गया, तो हम उसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। अगर वो लास्ट एलिमेंट बचा हुआ था बेसिकली हमने उसको उठा दिया, उड़ा दिया है, तो उसको डिलीट कर देंगे एंड में रिटर्न ट्रू कर देंगे। अगर हमें नहीं मिलता एलिमेंट तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे, रैंडम में बस कुछ नहीं करना है, हमें सेम वही चीज़ करनी है एंड एज यू कैन सी ये हमारा कोड चल जाएगा। हमें बेसिकली उसके ना इंडेक्सेस को सॉर्टेड ऑर्डर में रखना है ताकि रिट्रीवल जो हो, ताकि हमें डिलीट करना इंसर्ट करना आसान हो। हम रैंडमली उनको स्टोर करेंगे तो जब रिट्रीव कर रहे होंगे तो प्रॉब्लम आएगी, दैट्स वाई वी आर यूजिंग अ सेट, दैट्स वाई वी आर यूजिंग अ सेट। एंड आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ये वाला थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी है, फर्स्ट वाला तो बहुत ईजी था, उसको अगर आप बेसिक अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, बट दिस में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बट या वाई वी आर यूजिंग सेट आई होप क्लियर हो गया हो, ना क्लियर हुआ हो तो बता देना कमेंट्स में, विल ट्राई टू मेक अट सेपरेट वीडियो फॉर दिस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, डू चेक आउट algoprep.in एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।